गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 10, कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द हो एंड प्लग। तो इससे पहले हमने क्या परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, इसमें बताया था कि वैसे 3 सेटलमेंट अंग्रेजों ने चलाई थी, तो मेनली 2 का क्या है इस लेसन के अंदर है, परमानेंट और रैत वाड़ी जो है। लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट चल रही थी तो अंग्रेजों का क्या है, बंगाल के जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, हिली मतलब जहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हुआ था। और वहाँ पर क्या है, जो परमानेंट सेटलमेंट के साथ साथ में जो एग्रीकल्चर करते थे जो लोग, विलेजर्स होते थे, उनके बीच में और पहाड़ी लोगों के बीच में भी क्या है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, तो उनके बारे में ये टॉपिक दिया गया है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी इस नाम से है, द हो एंड द प्लग, यानी कुंदाल और हल। तो जो ये टॉपिक का नाम इसलिए क्यों दिया गया है, कुंदाल और हल, तो जो हो है यानी कुंदाल है उसका यूज़ कौन करते थे, पहाड़ी लोग करते थे, और जो प्लग है यानी हल जिसको आप बोलते हो, ज़मीन को होता है लैंड वगैरह को क्या करने के लिए, प्लग करने के लिए क्या है काम किया जाता है, तो जो हल का यूज़ करते थे वो संथाल करते थे। तो इनके बीच में सारा कॉन्फ्लिक्ट चला था, जिसमें क्या है, अंग्रेज़ों के साथ संथालिया या संथालों के साथ अंग्रेज़ थे स्टार्टिंग के अंदर, तो ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस टॉपिक में हम क्या है, 3 बातों के बारे में जिक्र करेंगे। इन द हिल ऑफ द राजमहल, बंगाल के अंदर जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास क्या हुआ, और संथाल और पहाड़ीज हैं उनकी सेटलमेंट कैसे हुई थी, और बुकानन, द अकाउंट ऑफ बुकानन के विचार क्या थे उनके बारे में। यानी बुकानन क्या है, एक इंग्लिश ऑफिसर था जिसने मतलब उसको रिसर्च वगैरह के लिए, लैंड वगैरह को देखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तो सबसे पहले हम पहाड़ीज के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं। आपने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में सुना, इससे पहले पढ़ा है, तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या है, उनका फिक्स हो चुका था अंग्रेजों, अब क्या है, अंग्रेज भी और जो ज़मींदार भी है वो क्या करना चाहते थे, रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू भी बढ़ाना चाहते थे, क्रॉप्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहते थे। मतलब कि अब क्या है, ज़मीन के ऊपर तो प्रोडक्शन ऐसे बढ़ नहीं सकता था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो फॉरेस्ट की ओर चले गए, यानी अपने गांव को धीरे धीरे फॉरेस्ट की ओर क्या है आगे बढ़ाने लगे थे। यानी जो पहाड़ियाँ वगैरह होती थी उनके नीचे जो फॉरेस्ट वगैरह होते थे, तो उनकी तरफ क्या है, उनको बढ़ाने लगे थे, वहाँ से पेड़ काटने और वहाँ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो इससे क्या है, जो पहाड़ीज लोग थे वो क्या थे, खुश नहीं थे, मतलब हैप्पी नहीं थे। तो उन्होंने क्या है, उनके ऊपर जो सेटल विलेजर्स थे या जो रेगुलर बेसिस विलेज थे, जो परमानेंट एग्रीकल्चर करते थे, उनके ऊपर क्या है, अपने अटैक इंक्रीज कर दिए, अपने आक्रमण बढ़ा दिए, कि वो जैसे ही वहाँ खेती करने के लिए आते उनको लूटने का काम करते, उनके ऊपर आक्रमण कर देते, उनको मार देते थे। तो ये क्या थे, पहाड़ीज लोग थे। तो हिल ऑफ पीपल ऑफ राजमहल, यानी यहाँ पर राजमहल का ही जिक्र है, तो जो पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पहाड़ीज का नाम दिया गया। तो यहाँ से क्या है, उनके अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और अंग्रेज भी क्या है, इनको पहाड़ीज को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लगातार। 10-11 तक तो बिल्कुल भी नहीं, 30 तक ये मुश्किल से कंट्रोल हो पाए थे। तो इसलिए क्या है, पहाड़ीज के बीच में अंग्रेजों के बीच में, और पहाड़ीज के बीच में और मेनली संथाल या परमानेंट जो एग्रीकल्चर करते उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चला था। तब अब है जो पहाड़ीज है उनकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है, या उनका लिवलीहुड कैसा था, या वो कैसा जीवन जीते थे उनके बारे में। फर्स्ट है, दे लिव्ड इन ए हंट ऑफ टर्मिट ग्रोव्स, वो ज़्यादातर क्या है, इमली के पेड़ के नीचे अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते थे, मतलब साफ सफाई वगैरह नहीं रखते थे, गंदी सी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ उनके लिए होती थी, और वो आम के पेड़ या मैंगो ट्रीज जो होते थे उनकी जो शैडो होती थी, छाया होती थी, उनके अंदर रेस्ट करते थे, ज़्यादातर उनका यही था वो। नेक्स्ट है पर्सनल लैंड, उनकी कोई पर्सनल लैंड नहीं थी, मतलब पूरी की पूरी जो भूमि वगैरह है, पूरी की पूरी ज़मीन जो है उसको वो अपनी मानते थे, कि राजमहल की जितनी भी है, अब क्या है, पहाड़ी एक कबीला तो था नहीं, मतलब वो अलग अलग ट्रिब्यूट्स के अंदर रहते थे, मैनी ट्रिब्यूट्स थे उस राजमहल की पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी लोगों के, तो वो सारे के सारे पूरी ही पहाड़ी को क्या है, अपनी पर्सनल लैंड मानते थे। आपस में लड़ते झगड़ते भी थे, और जहाँ क्या है, किसी ने
जहाँ रहने लगे वहीं आसपास क्या है खेती करते थे, फिर उसको छोड़ देते थे, अपना ठिकाना बदल लेते थे। तो इसलिए क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी था उनमें, झूम खेती थी, मतलब वो परमानेंट एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो बदल बदल कर खेती करते थे। यहाँ एक साल रह चुके, यहाँ एग्रीकल्चर कर लिया, साथ में हंटिंग वगैरह कर ली और फिर क्या है दूसरी जगह चले गए। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर। तो वो क्या है आउटसाइडर को क्या है उनका के विरोध करते थे, उनको रेसिस्ट करते थे, यानी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी क्या आउटसाइडर वहाँ है। जब संथाल आए थे तो उन्होंने क्या संथाल का क्या किया था, विरोध किया था, उनका रेसिस्ट किया था। अंग्रेज आए थे उनका किया था, तो वो क्या है उनका काफ़ी विरोध करते थे, मतलब वो बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि उनके एरियाज के अंदर आए। और उनकी जो ट्रिब्यूट्स होते थे उनको उनका चीफ क्या है लीड करता था, वो क्या है उनमें यूनिटी बनाए रख सकता था कि उनके कबीले के अंदर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा न हो। अगर किसी तरह की बैटल वगैरह होती थी दूसरे ट्रिब्यूट्स वगैरह के साथ में या किसी के साथ में, तो वो उनको क्या है उनकी लीडरशिप करता था। नेक्स्ट एग्री पॉलिसीज एंड मिल्स। वो क्या है कोई परमानेंट एग्रीकल्चर तो करते नहीं थे, जो वीट और राइस लगाएंगे, तो इन्होंने क्या है पल्सीज और मिलेट्स का ज़्यादा, यानी दाल और बाजरा ही क्या है वो ज़्यादातर उगाते थे। इसके अलावा वो एक महुआ फूल को ढूंढ ढूंढ कर काटते थे, एक फ्लावर, महुआ जो एक फ्लावर है वो क्या है नशे के लिए यूज होता था उस समय, जिस तरह से आज क्या है वाइन यूज होती है उसी तरह क्या है ये फूड के अंदर उनका साथ लिया जाता था, जो क्या है एक तरह के नशे के लिए यूज होता था। नेक्स्ट है वो सिल्क वर्म और सिल्क कोकून्स को कलेक्ट भी करते थे, जिससे क्या है सिल्क के कपड़े वगैरह बनाए जा सकें। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर में कुछ ही उगाते थे, पल्सीज वगैरह और मिलेट्स, तो बाकी क्या है अपने जो कैटल्स होते थे, अपने जो पशु वो साथ में रखते थे मिल्क वगैरह के लिए या किसी तरह के लिए, तो उनके लिए पोस्चर्स यानी उनके लिए चराहगाह के लिए क्या है सिर्फ घास की ज़मीन तैयार करते थे, कुंदालों से खोद करके ग्रास लैंड तैयार कर देते थे, उनमें उनके पशु चरते और फिर वो उसको चेंज कर लेते थे आगे। नेक्स्ट है हंटिंग विद एनिमल्स। वो जंगली जानवरों का क्या शिकार करते थे, उनको खाते भी थे, तो हंटिंग भी उनका क्या है एक शौक था। अटैक्ट वेयर सेटल एग्रीकल्चर लिव्ड। और जहाँ पर भी सेटल एग्रीकल्चर होती थी या जहाँ पर वो रहते थे वो उनके ऊपर अटैक करते थे, साथ के गाँव के अंदर या जब संथाल से उनके पहाड़ी एरियाज के अंदर आए तो उनके ऊपर, तो इस तरह से वो क्या है उनके ऊपर अटैक भी करते थे। नेक्स्ट है टोल फ्रॉम द ट्रेडर्स। इसके अलावा व्यापारियों से, जब वो क्या है राजमहल की पहाड़ियों से कोई ट्रेडर्स क्या है अपना सामान लेकर के जाता था, तो उनसे टैक्स लेते थे, यानी किसी ट्रिब्यूट्स ने उनसे टैक्स ले लिया और जिम्मा ले लिया कि इस पूरे रास्ते हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए क्या है ट्रेडर्स क्या है उनको टोल भी देते थे, एक तरह का टैक्स देते थे। तो वो टैक्स क्या है वो अपने लिए यूज़ करते थे जो पहाड़ी थे। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेज भी और जो ट्रेडर्स थे या विलेजर्स थे सारे के सारे उन पहाड़ी लोगों से डरते थे। यूज पेंसिल या हो एंड हेटेड प्लग, ये मैंने पहले ही बताया है। वो क्या है कुंदाल का प्रयोग करते थे, कुंदाल या हो ये क्या है एक तरह का मतलब एग्रीकल्चर में यूज किया जाने वाला है। तो हेटेड प्लग और हल से क्या करते थे नफरत करते थे। तो जैसे ही संथाल क्या है उनके साथ आते हैं, उनके पहाड़ी एरिया में घुसते हैं, तो संथाल क्या है परमानेंट एग्रीकल्चर करते हैं, एक जगह से ठिकाना बना करके, और वो क्या है हल का प्रयोग संथाल ज़्यादा करते थे। तो इसके कारण भी उनकी संथालों के साथ नहीं बनी, क्योंकि वो पलक से पहले ही क्या करते थे पलक से हेटेड करते थे, मतलब उनसे घृणा करते थे। तो ये इनकी कुछ फीचर्स थी पहाड़ी लोगों की। तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर पहाड़ी और संथाल की डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसकी फीचर्स और उनकी फीचर्स को आपस में फाइव या सिक्स में लिख सकते हो, तो ये उनका डिफरेंस भी हो जाता है। तो इस तरह से ये पहाड़ी जो लोग थे, यहाँ से क्या है इनकी शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के आगमन के साथ। ओके, थैंक यू।